जनपद के दिव्यांग स्कूल की बड़ी लापरवाही आई सामने। स्कूल के गेट से बाहर निकल नेत्रहीन किशोर भटकता हुआ पहुंचा शहर। एक ओर जहां सरकार दिव्यांगजन सशक्तिकरण को लेकर दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों को लेकर प्रतिमा हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है जिससे कि दिव्यांगजन आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन सके, वहीं दूसरी ओर एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां संभल जनपद के एकमात्र दिव्यांग आवासीय स्कूल में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। संभल जनपद के रतनपुर के कुड फतेहगढ़ थाना अंतर्गत के SJ दिव्यांग स्कूल में पढ़ने वाला एक किशोर से स्कूल की लापरवाही के चलते वह नेत्रहीन दिव्यांग 12-13 वर्ष का एक किशोर स्कूल के गेट से बाहर निकल आया और भटकते हुए शहर में आ पहुंचा। परिजनों के ढूंढने और अथक प्रयास के चलते उसे खुर्जा गेट के एक स्थान से लावारिस अवस्था में भटकते पाया गया। राहगीरों ने जब उसके शोर से उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि वो अपने पिता के पास जाने को भी गया है। सूचना पर दिव्यांग स्कूल के प्रधानाचार्य भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि इसके परिजन इसे स्कूल में छोड़ गए थे जबकि इसका स्कूल में दाखिला नहीं हुआ है। उनके इस बात को किशोर के पिता ने झूठा साबित किया और कहा कि वो 2 माह पहले अपने बच्चे को उनके स्कूल में दाखिल करा चुके हैं। स्कूल की लापरवाही के चलते आज उनका बच्चा स्कूल के गेट से बाहर निकल आया। कोई भी हादसा हो सकता था जिसका जिम्मेदार आखिर कौन होता? ये स्कूल की लापरवाही नहीं है तो क्या है? अब देखना यह है कि लापरवाही पर सरकार क्या एक्शन लेती है। बोल सकता है ये? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? नाम बताओ। क्या नाम है? जोरदार। अच्छा कहाँ पढ़ते थे तुम? क्यों चले आए स्कूल से? क्या खाना नहीं मिलता था? क्या बात थी? क्या परेशानी थी? माँ आप कौन है? माँ के प्रिंसिपल हुआ। क्या नाम है आपका? अच्छा ये बच्चा यहाँ घूम रहा है लावारिस है अभी, ये सब लोग कह रहे हैं स्कूल से चला आया, क्या मामला है? लावारिस कुछ भी नहीं है जी, हम सब लोग खाना खिलाया, खाना खिलाने के रूम में छोड़ दिया जी। गेट खुला हुआ था, ये कल ही गया है जी, ये रह नहीं रहे, हमारे नामांकन नहीं है इसका जी। इनके गार्जियन ये चाहते हैं कि ये वहाँ एक दो दिन रहे, उसके बाद अगली टेंशन छोड़ेंगे जी, ये रह नहीं रहा है। हमने ने बताया हम नहीं रखेंगे, बोले बात एक दिन के लिए रख के देख लीजिए, हम नहीं रुके तो हम कल ले जाएंगे। अब आज मॉर्निंग आ गया 1:30 बजे। तो वहाँ गेट पर आपके यहाँ कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है? चौकीदार नहीं है? व्यवस्था है लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हर वक्त आप आज वो कर सकते हैं, सब व्यवस्था है, इतने बच्चे रह रहे हैं, आप कभी आइए देखिए कितने लोग जाते हैं हमारे, ऐसी बात नहीं है, सारी सेवाएं हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है जैसा आप उस समय रहे, ऐसा कुछ भी नहीं। अब ये तो इसके गार्जियन हैं, ये लोग ही कभी केयर नहीं करते। अब आप देख रहे हो सिचुएशन में है। आप कौन है इस बच्चे के? क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा क्यों, कैसे बच्चा आपको मिला, कहाँ से आया, क्या था, क्या पूरा मामला? हम माँ साहब को फोन आया था जी, हम देखने जा रहे थे जी, जैसे सेम बैठ के आ रहा था, मैं घूम पीछे मेरे को रिक्शे में लिया था, दिखाई दिया रिक्शा वालों को, रोक के उनके रिक्शे में उठा रहा, फिर माता को फोन करा तो बच्चा मिल गया, तो माता बड़े महादेव पर आ जाएगी। नहीं तो आपने ये बच्चा इनके स्कूल में सुपुर्दगी में तो दिया होगा? हाँ जी। तो क्या लापरवाही मानते हैं आप स्कूल की? फिर कैसे आ गया बच्चा? बच्चा निकल आया कैसे भी? लापरवाही निकल आया। नहीं कब से है ये बच्चा स्कूल में? बच्चा 2 महीने पहले देखा आया था। नहीं आया, दो साल पहले, अभी दो साल पहले, दो साल पहले देखा आया था, 2 महीने। तो फिर आप कितने दिन से नहीं आई? अब नहीं था, कल ही पहुँचा आया।